उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में बुधवार सुबह ग्रेटर नोएडा के NPCL नोएडा मेट्रो रेल निगम के पावर हाउस में आग लग गई। इसके चलते NPCL से जुड़े सभी सेक्टरों में बिजली गुल हो गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कोई जनहानि नहीं हुई है। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के सेक्टर 148 में NPCL का सब स्टेशन है। यहां से नोएडा और ग्रेटर नोएडा मेट्रो लाइन के लिए बिजली सप्लाई होती है। सुबह करीब 6 बजे अचानक सब स्टेशन में रखे ट्रांसफॉर्मर में धमाका हुआ और आग लग गई। तत्काल इसकी जानकारी फायर विभाग को दी गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। बाद में अन्य गाड़ियां भी बुलाई गईं। आसपास के क्षेत्र को खाली करा लिया गया है। हादसे के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। NPCL से जुड़े सभी सेक्टरों की बिजली सप्लाई पाली पावर स्टेशन पर डाइवर्ट कर दी गई है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतम बुद्ध नगर अरुण कुमार सिंह के मुताबिक 80% आग पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू में फायर सर्विस और जिला पुलिस लगी हुई है। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।